शैतानिर्जीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीमा के दस्तरखान के साथ में हाजिर हूँ। खुश रहें, आबाद रहें, आपका दस्तरखान हमेशा भरा रहे, दूसरों में खुशियाँ बांटें। शुरू से आखिर तक पूरी वीडियो देखा करें। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक वो सब्सक्राइब करें, कमेंट दें, अपनी कोई गलती हो तो बताइएगा ज़रूर। आज मैं बनाने जा रही हूँ शाही टुकड़े, तो उसके इंग्रीडियंट्स नोट कर लें, इसको बनाइएगा ज़रूर, ट्राई ज़रूर करिएगा। बहुत आसान ईजी रेसिपी है, अच्छा शीरे के साथ भी बनती है, लेकिन मैं इसको आपको शीरे वाला नहीं सिखा रही, मैं आपको ये नॉर्मल सिखा रही हूँ। ये बहुत मज़े का, मुझे इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। अच्छा, मैंने इसके अंदर दूध लेंगे, हम 1.5 लीटर हमने दूध लिया है, ठीक है। हमने 6-7 पीस हमने डबल रोटी के ले लेंगे, 1/2 कप इसमें चीनी लेंगे हम, 1 टेबल स्पून हमने केवड़ा वाटर लेंगे, 1/2 कप हमने इसमें ड्राई मिल्क लेंगे, और हमने कलाकंद लेंगे, ये भी 1/2 कप लेंगे हम, और इसको खोया भी ले सकते हैं, इसकी जगह 1/2 कप खोया भी ले सकते हैं, लेकिन कलाकंद से टेस्ट अच्छा आता है। बादाम पिस्ते हसबे ज़रूरत, इलायची लेंगे 6-7 इलायची लेंगे, उसको कूट लेंगे, अभी हम इसको कूट के डालेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 1.5 लीटर दूध लिया, हम इसको जोश करने रख देंगे। इसका इतना जोश करना है कि ये आधा रह जाए, 1 किलो से 3 पाव तक रह जाए। हाँ, तो इसको इतना रिड्यूस करना है कि इसका आधा, ये दूध आधा रह जाए, 1 किलो से 3 पाव के करीब रह जाए। तो हमने इतना इसको पकाना है, स्लो आंच पर हम इसको पकाने के लिए रख देंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। हमने घी लेंगे, गर्म कर लेंगे घी को, फिर हम इसके अंदर ये फ्राई कर लेंगे, 1-2 डाल के आप फ्राई कर लें इस तरीके से। ये देखिए हमने पलट लिया, कितना अच्छा माशाल्लाह गोल्डन कलर आ रहा है। इसी तरह सारे फ्राई करते हैं, और फिर मैं इसको डिश में लगाऊंगी। जब तक हमारा दूध भी हो गया है, रिड्यूस हो गया है, तो मैं उसका भी आपको बताती हूँ। ये पक पक के 1 किलो के करीब रह गया तकरीबन, इतना ही पकाना है इसको, और चाहें तो और भी पका सकते हैं इसको। और हमें इसके अंदर चीनी डाल देंगे, 1/2 कप चीनी डाल देंगे, क्योंकि हमने इसे कलाकंद भी डालना है, हसबे ज़रूरत ले सकते हैं, मीठा कम करना चाहे तो कम भी ले सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे चीनी को, चीनी इसके अंदर हल हो गई है, हमने इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे, जो हमने इलायची को कूट लिया था, और हमने इसके अंदर वो भी डाल दिया है, वो भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और इसमें ड्राई मिल्क डाल देंगे, चमचा चलाते रहेंगे ताकि घुटला ना पड़े। बादाम पिस्ते डाल देंगे थोड़े, और गार्निश के लिए रखेंगे। हमने इसमें केवड़ा वाटर डाला है, हमने 1 टेबल स्पून के जितना, और आखिर में हमने इसमें कलाकंद डालेंगे। अब बस कलाकंद डाल के फिर मिक्स करेंगे, अब चूल्हा बंद करेंगे। इसका कलाकंद है, हमने इसको हाथ से चूल्हा करके ये भी डाल देते हैं इसमें, बस इसको हम चूल्हा बंद कर देंगे, और बस इसको ठंडा करेंगे, थोड़ा सा ठंडा करके फिर डालेंगे हम। हमने इसको फ्राई कर लिया, तो ये देखें कितने क्रिस्पी हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है, देखें फूट रहे, आवाज़ आ रही है बाकायदा। इस तरीके से आप भी करिएगा। और फिर ये जो मिक्सचर हमने तैयार किया, इसको ठंडा करना है, ठंडा करके फिर हमें इसको डालना है इसके अंदर, इस तरीके से हमें इसको भी डाल देना है, सब पे ये दूध साथ पे चला जाए। हमने इसको डिश आउट कर लिया है, इसे बादाम पिस्ते चांदी के वर्क से गार्निश करें, और ठंडा फ्रिज में रखें, इसे ठंडा ठंडा करके खाएं, बड़े मज़े के होते हैं ये, ट्राई ज़रूर करिएगा। बच्चों को बनाएं, बड़ों को, सबको बनाएं, दावतों में बनाएं, तो ट्राई ज़रूर करिएगा। शुरू से आकर तक पूरी वीडियो देखिएगा, आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने कमेंट्स दीजिएगा। इसी के साथ लेते हैं इजाज़त, ज़िंदगी रही तो कल नई डिश के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।